ये सिर्फ विजयनगर एम्पायर से कनेक्टेड नहीं है, ये रामायण से भी कनेक्टेड है ये जगह। ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये पूरा हम्पी बाजार था। तो दोस्तों एक और यहाँ पे यूट्यूबर मिले, आपका क्या नाम है चैनल का? अच्छा, ये हम्पी का नेशनल मार्केट था पूरा, वहाँ से अपना विरूपाक्ष टेम्पल देखा। हाँ, और हमेशा एक बात दोस्तों याद रखना कि मराठा एम्पायर हो, विजयनगर एम्पायर हो, राजपूताना हो, सिख एम्पायर हो, भाइयों बहनों हम लोग निकल गए श्रवण बेलगोला से। हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है यशवंतपुर। यशवंतपुर में रुकने नहीं वाले हैं, यशवंतपुर ट्रांजिट स्टेशन है, वहाँ से दूसरी गाड़ी पकड़ने वाले हैं आज ही रात, और अराउंड 8-10 पे पहुँचेंगे वहाँ, फिर 10 बजे दूसरी गाड़ी है। और नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है अपनी, उसके बारे में बाद में बताऊँगा। वीडियो पूरा देखा करो आप लोग, पूरा वीडियो देखोगे तो चैनल और भी आगे बढ़ेगा, है ना। ये अभी कोई स्टेशन पे रुकी है यहाँ पे, और भाई एक चीज़ मैंने नोटिस की, जो कोस्टल एरिया था वहाँ बहुत गर्मी थी, जैसे उडुपी है, मुर्देश्वर है, मैंगलोर है, बहुत गर्मी थी उधर। यहाँ पे जो है विंटर फील हुई है मुझे थोड़ी, श्रवण बेलगोला में यहाँ ठंड थी थोड़ी। और अभी जैसे 5 बजे की गाड़ी थी, 4 बजे आ गया था मैं, ठंडी हवा चल रही थी स्टेशन पर। तो भाई ऐसे ही है ना, थोड़ा मौसम बदल गया है, अभी देखते हैं जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ मौसम कैसा होगा। तो दोस्तों हम लोग हैं यशवंतपुर रेलवे स्टेशन पे, यशवंतपुर जंक्शन बेंगलोर में, और अभी हम लोग पकड़ने वाले हैं हम्पी एक्सप्रेस जो 10 बजे यहाँ आती है, और अगली लोकेशन पे अपनी जाएंगे डेस्टिनेशन पे, और फिर आपको बताएं। भाई बहुत नींद आ रही है, ऐसा मैंने एडवेंचर पहली बार किया है, बैक टू बैक ट्रैवल, और अभी ओवरनाइट ट्रैवल होने वाला है, 10 दिन से ट्रैवल कर रहा हूँ मैं। दोस्तों हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं, डेस्टिनेशन है हॉस्पेट, और हॉस्पेट से अभी हम जा रहे हैं हम्पी। अभी हम्पी का अपन टूर करेंगे, लगे रहिए, वीडियो को पूरा देखो, एंजॉय करोगे। तो दोस्तों हम्पी जो है वो होसपेट से अराउंड 12-13 किलोमीटर दूर है, तो आपको ऑटो रिक्शा मिल जाएगा 200 रुपये में, तो आना जाना आपका 200-200 में हो जाएगा, और वहाँ घूमने के लिए भी आपको रिक्शा मिल जाएगा। तो शाम में बस नहीं मिलता ना? अच्छा, मेरा तो फोन नंबर है ना? हाँ है ना। वो 50 रुपये ऐसा मांगते हैं आने टाइम। अच्छा, और रिक्शा ना? हाँ रिक्शा, न्यू हम्पी है बोलना, बहुत वाला न्यू हम्पी को आता है। ठीक है ज़्यादा बोलने से फोन करेंगे। हाँ ठीक है, हम आके तुमको रिसीव करता हूँ। हाँ ओके, हम्पी से। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं हम्पी बस स्टॉप तक। बस स्टॉप से फिर हम बस लेके हम्पी देखेंगे आज। ये यहाँ से मिलता है ना? यहाँ से। हाँ ये इसी लाइन से या उस साइड है? हम्पी यही लाइन से लेफ्ट है ना? ओके ओके, वो हॉस्पिटल जाने। अच्छा, वो हॉस्पिटल जाने। तो दोस्तों मैं बस में चढ़ गया हूँ, सिटी बस है, और लास्ट स्टॉप तक जाएंगे हम। नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों हम हम्पी आ गए हैं आज सुबह, ओवरनाइट जर्नी थी यशवंतपुर से, और मराठा एम्पायर देख लिया मालिक, अब विजयनगर एम्पायर देखोगे। और आज देखो यहाँ पे कहाँ आए हम, कंपा भूपा मार्ग की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर कुछ टेम्पल्स हैं जिनमें कोई एंट्री चार्ज नहीं है, वो फ्री हैं, तो ये जो फ्री वाली चीज़ें हैं वो आज देखेंगे, बाकी जो रिमेनिंग है वो कल देखेंगे। तो फर्स्ट डे है आज हमारा हम्पी में। भाई क्या सही लग रहा है यार, ये देखो क्या व्यू है यहाँ पे, ये तुंगभद्रा रिवर है यहाँ से, बहुत ही सुंदर है। तो दोस्तों यहाँ पे तैरना मना है, ये तुंगभद्रा रिवर है, यहाँ पे लिखा हुआ है खतरा है,
और वेव्स होंगी या वो पानी जो है डीप है, तो मना ही किया है। यहाँ से हम जा रहे हैं, ये देखो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कहाँ के कहाँ जा रहे हैं भाई। रास्ता देखो आप, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, मैं जिनके यहाँ रुका हूँ ना, उन्होंने कहा था कि यहाँ रात को मत आना, ठीक है, यहाँ रात को आने को मना किया है। आप भी अभी सुन लो, ये जो टेंपल हम जा रहे हैं रामा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कई बार चीता वीता आ जाता है और यहाँ पे कोई रहता नहीं है, तो वो एक तो जानवर के वाइज भी ख़तरा है और है ना, जब कोई नहीं रहता तो और भी ज़्यादा रिस्क हो जाता है। तो यही है, वाह जी वाह, क्या सही व्यू है यार, मज़ा आ गया। प्राइसलेस, बहुत ही ज़बरदस्त, ऐसा लग रहा है जैसे मैं 500-700 साल पहले पहुंच गया। क्या मस्त व्यू है भाई, देखो देखो भाई कहाँ से आए हैं हम और कहाँ पहुँच गए। अभी मुझे समझ में आया मुझे क्यों कहा था कि भाई इधर रात को मत आना, क्योंकि ये एरिया ऐसा है ना, है ना। तो दोस्तों देख सकते हो आप, ये कोडंडा रामा टेम्पल है। द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू कोडंडा रामा, तुंगाभद्रा के बाजू में है। तो दोस्तों ये जो टेम्पल था, ये कोडंडा रामा टेम्पल था, राम टेम्पल, और यहाँ पे अंदर टेम्पल की फोटो निकालना अलाउ नहीं था अंदर, ये बाहर से निकाल सकते हो आप। तो वो जो साहब थे वो, उन लोगों ने मुझे बताया था कि सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, ये अंदर के भगवान की फोटो नहीं निकालना। और दोस्तों ये तो टेम्पल था, ये बढ़िया था बिल्कुल, लेकिन मोस्टली जितने भी टेम्पल हैं हम्पी में वो सब खंडित हो चुके हैं। जैन टेम्पल्स भी हैं बहुत सारे हम्पी में और हिंदू टेम्पल्स भी हैं, सब खंडित हो चुके हैं मोस्टली, क्योंकि जब मुगल ने अटैक किया था, तो मुगल जब जीत गया था विजयनगर एम्पायर से, तो उन्होंने सारे जो मूर्तियां थी और जितने भी मंदिर थे उनको सबको तबाह कर दिया था। तो ये जो चीज़ है देख के बहुत दुख हुआ, ये आप देख सकते हो। अभी हम एक खंडित मंदिर में आए हैं और वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे और जो लोग थे, उन्होंने कहा था कि आप चप्पल पहन के भी जा सकते हो अंदर, क्योंकि ये मंदिर जो है खंडित हो चुका है और तबाह कर दिया गया था। तो यही था जो मुगल्स का जो एटीट्यूड था, वो आक्रामक रहा था, एग्रेसिव और डिसरिस्पेक्टफुल था। तो देख सकते हो आप इतना सुंदर टेम्पल खंडित पड़ा है। तो अभी जैसे हमने श्रवण बेलगोला में देखा था कि कन्नड़ा में लिखा हुआ था, और ऐसे ही टेम्पल्स थे ऐसे ही वहाँ पे भी, श्रवण बेलगोला में ऐसे ही थे। तो ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये टेम्पल हुआ करता था, अभी नहीं है उन्होंने कहा, इसीलिए उन्होंने कहा जूते पहन के भी अंदर जा सकते हो, खंडित हो गया वो मूर्ति, ऐसा बोल रहे थे। ये देख रहे हैं यहाँ पे भगवान की प्रतिमा है, रॉक कट आर्ट है पूरा। ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स और साइट्स हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हम्पी। तो दोस्तों ये देखिए, वराह शिव मंदिर करके लिखा हुआ है यहाँ पे, वराह शिव गुड़ी बोलते हैं इसको, डिटेल्स हैं। और अभी हम अंदर जाएंगे, ये भी सिमिलर वैसी पुरानी है। तो श्रवण बेलगोला में जो अपने हैं जैन मंदिर है, वो एकदम सेम टू सेम है बने।
बहुत ही सुंदर नज़ारा, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ये सब फिगर्स भी बनी हुई है, वहाँ पे कुछ जानवर जैसा बना हुआ है। बहुत सही व्यू आ रहा है, यहाँ से ये दिख रहा है मंदिर, वहाँ से वो मंदिर दिख रहा है। सोचो क्या झांकी रही होगी उस टाइम पे, विजयनगर एम्पायर होगा, है ना। बस दुख ये होता है कि विजयनगर एम्पायर जो है वो खड़ा ही हुआ था मुग़ल इन्वेजन को रोकने के लिए, क्योंकि मुग़ल जो थे वो शायद महाराष्ट्र तक आ गए थे, ऐसा मैंने देखा था, पढ़ा था मैंने। ठीक है, अपने मन से मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, जो मैंने देखा था वो बता रहा हूँ। हिस्ट्री का मुझे कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मतलब हिस्ट्री सब्जेक्ट मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, मैं मैनेजमेंट और कॉमर्स वाला हूँ, लेकिन ऐसे ही हुआ था कि ये खड़ा इसीलिए हुआ था ताकि वो रोक सकें, और तुंगभद्रा रिवर जो जा रही है वो भी इसीलिए मेन इम्पोर्टेंस थी कि वो मुग़ल्स को रोक सकें, क्योंकि वो कैसे आएँगे। तो ऐसे ही कुछ तो स्टोरी थी। और हमेशा एक बात दोस्तों याद रखना कि मराठा एम्पायर हो, विजयनगर एम्पायर हो, राजपूताना हो, सिख एम्पायर हो, कोई भी एम्पायर हो, सब हिंदू राष्ट्र थे और सबका यही लक्ष्य था कि हमें मुग़लों से बचाया जा सके, है ना। तो उनकी वजह से आज हम सब जीवित हैं और अपने धर्म प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। तो दोस्तों कुछ जैना देवालय करके लिखा था यहाँ पे लोकेशन पे, बहुत ही सुंदर जगह। तो दोस्तों मैं जिनके यहाँ स्टे कर रहा हूँ उन्होंने यही बताया था कि ये जो पूरा एरिया है ये बिल्कुल फॉरेस्ट की तरह है, जंगल है पूरा, और सच्ची में जंगल है, जंगल है, पहाड़ियाँ हैं। हाँ, हो सकता है ट्रीज़ कम हो, स्टोन्स ज़्यादा हैं, लेकिन ये पहाड़ी एरिया है, आप देख सकते हो। इसीलिए रात को यहाँ पे उन्होंने एडवाइज़ नहीं किया आने का, मतलब ऐसा कुछ इशू नहीं है, लेकिन जैसा उन्होंने बताया था भाई चीता वीता होगा, कुछ इशू हो गए, फंस गए, तो यहाँ पे आपको यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम सिग्नल भेज दोगे किसी को, ऐसा कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये पूरा एक समझ लो वहाँ लिखा था एंशियंट एरिया है, पूरा हिडन है बिल्कुल, ठीक है, पुराना। तो ऐसा है, बहुत ही सुंदर व्यू दोस्तों, प्राइसलेस, एक बार हम्पी ज़रूर आना। दोस्तों बहुत ही शानदार नज़ारा है, और मैं सोच रहा हूँ यार विजयनगर एम्पायर जब था, अभी भी है ये विजयनगर एम्पायर ही है, और है ना हिंदू राष्ट्र ही अपना, लेकिन जब वो लोग होंगे जिन्होंने बनाया होगा, तब क्या शानदार लगता होगा इधर। ये देखो दोस्तों सुग्रीव केव है, सुग्रीव गुफा। हम्पी इज पॉपुलरली बिलीव टू हैव बीन मैंशनड इन द रामायण एज द किंगडम ऑफ किष्कंधा रूल्ड बाय द वानर किंग सुग्रीवा। तो सुग्रीवा की जो केव है यहाँ पे, इट इज़ लोकेटेड ऑन अ स्लोप अलोंग राइट बैंक ऑफ तुंगभद्रा। ये वही जगह है, ये बिलीव है कि यहीं पे सुग्रीवा ने सीता माता के ज्वेलरी दिखाई थी लॉर्ड राम को, मतलब यहाँ पे ही वो आए थे, बोलो आप। तो देखा आपने, ये सिर्फ विजयनगर एम्पायर से कनेक्टेड नहीं है, ये रामायण से भी कनेक्टेड है ये जगह।
ये देख रहे हो केव है, लॉक है सब। तो दोस्तों वहाँ सुग्रीव्स केव्स है और यहाँ पे है सीताज पॉन्ड। तो सीता पॉन्ड करके नाम है, पॉन्ड मतलब जैसे छोटा सा एक लेक जैसा होता है ना, अब हिंदी में क्या बोलते हैं वो अपने को पता नहीं है। तो यहाँ पे वो है, वहाँ पे भी कुछ टेंपल है। और ये था, ये जो जगह है यहाँ तुंगभद्रा के इधर, यहाँ आ जाना सेपरेटली, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वो ट्रांसपोर्ट जैसे वो अपना क्या बोलते हैं ऑटो नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे हाँ अगर आप साइकिल लेके आओगे तो मैं भी आ सकते हो, लेकिन कैसे यहाँ कैसे चलाओगे साइकिल, ये होता है ना। तो यहाँ आपको ये 1.5-2 किलोमीटर है, ये पैदल घूमना पड़ेगा। तो ये पूरा अलग से देख लेना, और जो दूसरे स्पॉट्स हैं वहाँ हर जगह ऑटो जाता है, ये मुझे बताया था। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो ये टेम्पल्स में कोई चार्ज नहीं है और यहाँ पे आप आराम से घूम सकते हो पैदल, कोई इशू नहीं है। और कैसा होता है कुछ टेम्पल्स हैं वहाँ पे, मतलब एक ही टिकट कई जगह काम आ जाती है। तो उन्होंने कहा कि तुम कल जाओगे तो कल खरीद लेना, है ना। भाई मज़ा आ गया यार घूम के हम्पी, अभी तो ये शुरुआत है और भी बहुत सारी जगह हैं और डिटेल में घूमने के। हम ये जो आप लोगों को दिख रहा है, दिख रहा हम्पी बाजार। तो दोस्तों एक और यहाँ पे यूट्यूबर मिले, आपका क्या नाम है चैनल का? अच्छा ये हम्पी का ये नेशनल मार्केट था पूरा, वहाँ से अपना विरूपाक्ष टेम्पल देखा? हाँ, हाँ, नहीं अभी नहीं देखा। तो विरूपाक्ष टेम्पल से लेके तो अच्युत राय टेम्पल तक, ओके, जितने भी स्तंभ जहाँ पे आप लोगों को दिख रहे वो सब मार्केट था।